बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ ही मिल जाए तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने आज पकौड़ियाँ बनाई है जो कि मैंने सिर्फ दाल की मदद से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने जो दाल थे उसको मैंने रात भर ओवरनाइट अच्छे से उबालने मतलब ऐसे छोड़ दिया था फूलने के लिए। अब ये अच्छे से फूल गए हैं तो इसको हम धो देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में हम सारे के सारे दाल को डाल देंगे। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन के टुकड़े और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसका हमें दरदरा पेस्ट ही बनाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं, बस इस तरीके से जैसे मैंने किया है। सारा का सारा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा। उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्का सा जो देखने में अच्छा लगे उसके लिए हल्दी, साथ ही साथ हम यहाँ पे थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सभी को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर डाला है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर कटी हुई मिर्च, कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक छोटा छोटा टिक्की बना लेंगे हाथों की मदद से। ये देखिए मैंने टिक्की बना लिया है और टिक्की बना बना के हम इसको प्लेटिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से टिक्की बना के सारे तैयार कर लेंगे और अब हम कढ़ाई पर तेल गरम करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम तेल गरम हो जाए तो हम एक एक करके सारे के सारे हमारे जो पकौड़ियाँ हैं टिक्की उसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब देखिए कितनी कुड़कुड़े हमारी पकौड़ी बनेंगी तलकर एकदम मस्त कॉर्नफ्लावर की वजह से। आप अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो थोड़ा सा बेसन डालकर, बहुत ही अच्छी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अब देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए, और इसी तरीके से हम दोबारा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से चढ़ा देते हैं और इसको हम निकालेंगे। उसके बाद हम इसको सॉस के साथ प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है।